सोलो फ्रेंड देख सकते हैं नोकिया 3.2 है और इसमें जो है एफआरपी लॉक लगा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका एफआरपी लॉक बाईपास करें। इसका मॉडल नंबर TA1154 है और 11 यानी 54 है और इसमें जो है एफआरपी बाईपास लगा है। कैसे रिमूव करना है तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, विदाउट स्क्रिप्ट ये, नहीं तो आप छोटा सा भी पार्ट मिस करेंगे तो नहीं फोन को खोल पाएंगे, क्योंकि मैंने भी इस फोन को खोलने के लिए काफी जो है पैतरे आजमाए, नहीं खुल रहा था, लेकिन फाइनली लास्ट में मैंने खोल ही दिया। और सब मॉडल में अलग अलग ट्रिक यूज होते हैं, जैसे कि सिम लॉक लगा के। अभी मैंने देखिए वाईफाई कनेक्ट कर दिया है अपने दूसरे फोन का, तो यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद आपके सामने मैं दिखाता हूँ एफआरपी लॉक आ रहा है कि नहीं। गूगल अकाउंट लॉक हो जाता है हार्ड रिसेट करने के। इससे पहले मैंने जो है इस फोन का ही पैटर्न लॉक तोड़ा था और उसके बाद मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैंने इसके एफआरपी लॉक के ऊपर भी वीडियो बनाया है, तो इसका गूगल अकाउंट बाईपास नहीं हो पा रहा था, कस्टमर ईमेल आईडी भूल गए थे तो वह बताए, तो मैंने कहा ठीक है मैं इसका एफआरपी लॉक भी बाईपास कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम स्क्रिप्ट किए तो यहाँ पे हमारे सामने साइन अप बोला जा रहा है करने के लिए। तो यानी इसमें गूगल अकाउंट है और इसे कैसे रिमूव करना है, आपको यहाँ पे प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है और इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। और सिम लॉक लगाना और जो है टॉक बैक एनेबल करना और कोई ऑप्शन नहीं काम करेगा। इस मॉडल का कुछ अलग रूल है और कुछ अलग जो है तरीका है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्राइवेसी वाले ऑप्शन में, तब ये जाके यहाँ पे मैसेज वाले ऑप्शन में आपको चले आना है। और मैसेज वाले ऑप्शन में देखिए मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद आपको जो जो मैं यहाँ पे करते जा रहा हूँ सेम स्टेप को फॉलो करते जाइएगा। चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल अनलॉकिंग के वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग को टाइप करना है 1 to 1, सिम लगा हो या नहीं लगा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 1 to 1 टाइप कर देंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे मैसेज में लिखना है YouTube.com और उसे सेंड कर देना है। और सेंड करने के बाद उस पर आप क्लिक करेंगे। यही आप लोग को करने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है YouTube लाने में, और उसके बाद तो आगे का प्रोसेस आप लोग को गूगल आ जाने के बाद पता ही चल जाता है कैसे करना है। तो देखते रहिए, यहाँ पे देखिए हमारा YouTube खुल गया है। मैंने भी काफी पैतरा लगाए, सिम लॉक किया, ये किया, नहीं हो रहा था, फाइनली मैं इस ट्रिक को भी अपनाया तब जाके ये हुआ। और यहाँ पे आप लोग को प्राइवेसी वाले ऑप्शन में आ जाना है, यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने गूगल क्रोम खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अब क्लिक किया, हाँ आ गया और यहाँ पे क्रोम आ चुका है। आप समझ सकते हैं यानी यहाँ पे आने के बाद 80% काम हो ही जाता है। अब यहाँ पे लिखना है, किसी एफआरपी वाले साइट पे आप लोग जा सकते हैं, एड रोम या तो जो है एफआरपी बाईपास में FRPFile.com, बहुत सारे है साइट। तो एड रोम पे मैं चले जाता हूँ, एड रोम मैंने टाइप कर दिया है। यहाँ पे बहुत सारे जो है एफआरपी लॉक के जो है तरीके दिए मिलते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करना है हमें फर्स्ट वाले लिंक पे। और उसके बाद यहाँ पे भी कुछ लोड वोड नहीं करना है, विदाउट लोड किए ही आपका जो है एफआरपी बाईपास में करके दिखा दो। यहाँ पे मैंने सेटिंग वाले ऑप्शन में बस क्लिक किया और जस्ट फोन का सेटिंग खुल गया। और यहाँ पे एप्स वाले ऑप्शन में हमें आ जाना है। तो मैं आप लोग को काफी इजीली विदाउट पीसी वाले ट्रिक बताता हूँ, मेरे पास पीसी लैपटॉप को तुरंत करके दे सकता हूँ, लेकिन मैं वीडियो बनाने के लिए आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एप्स पे क्लिक किया, 20 एप्स जो दिखा रहा था। यहाँ पे सिस्टम पे क्लिक किया, सिस्टम पे क्लिक करने के बाद एंड्रॉइड सेटअप को आपको जो है फोर्स स्टॉप और डिसेबल करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जो है चले जाना है, सीधा नीचे आप जाएंगे वहां पे आपको मिल जाएगा गूगल प्ले सर्विस। दो एप्स को आपको अच्छी तरीके से डिसेबल करना है, एक का फोर्स स्टॉप करना है, एक का डिसेबल। तो दोनों यानी कि फोर्स स्टॉप डिसेबल करना है, जैसे मैंने किया सेम ट्रिक को फॉलो करिए, आपका डेफिनेटली यही मॉडल होगा तो बाईपास आराम से हो जाएगा। और भी जो है नोकिया मॉडल में भी आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक चले आना है, देखिए यहाँ पे आपको एडवांस वाला ऑप्शन में है, आपको चले जाना है। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, जस्ट आपके सामने तुरंत होम स्क्रीन आ जाएगा, बैक ज्यादा करने का जो है प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। और इसके बाद आपको जो है फोन में वाईफाई अब डिस्कनेक्ट कर देना है। आप नहीं डिस्कनेक्ट करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आपका आएगा नहीं ऑप्शन स्क्रिप्ट का, आपको डिस्कनेक्ट कर देना है, यानी कि नेटवर्क नहीं रहना चाहिए। देख सकते हैं हमारे सामने जो है स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल, और काफी टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूं, ये भी वीडियो जो बनाया उसके लिए भी टाइम दिया, फिर जो पीछे चल रही है और ये सामने जो अभी बैठ के बता रहा हूँ ये भी वीडियो, यानी दो वीडियो मर्ज करके एक वीडियो बन रहा है। तो समझ सकते हैं कितना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, और आप लोग का फर्ज बनता है वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं इसके सेटिंग में चलता हूँ, जो जो हमने ऐप्स डिसेबल किए थे अब उसे हमें एनेबल कर देना हो। ऐप्स वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे हमने जो 28 एप्स है इस पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे सिस्टम वाले 3 डॉट पे क्लिक करके सिस्टम ऐप वाले में चले जाएंगे। और यहाँ पे ऐप वाले ऑप्शन में यहाँ पे डिसेबल ऐप्स दिखा देगा, कौन कौन सा हमारा ऐप्स डिसेबल है उसे हम दोबारा से एनेबल कर देंगे। नहीं करेंगे तो हमारे फ़ोन में ऊपर में एरर आएगा नोटिफिकेशन में, तो उसको यानी कि ठीक करने के लिए हमें
जो है गूगल प्ले सर्विसेस और जो हमने एंड्रॉइड सेटअप को डिसेबल किया था, एनेबल करे। और चलिए मैं आपको अबाउट में दिखा देते हैं इसके अच्छे से मॉडल नंबर और कौन सा वर्जन था, कौन सा सॉफ्टवेयर, एंड्रॉइड 11 था। हमारा फ़ोन अनलॉक हो चुका है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमने FRP अच्छे से बाईपास कर लिया। आई होप कि आपका भी फ़ोन बाईपास हो गया हो, और नहीं हुआ है तो कमेंट करिएगा। आपका यदि फ़ोन का मॉडल अलग होगा तो अलग कुछ प्रोसेस होगा, तो आप लोग को उसके लिए मैं गाइड कर दूंगा। और चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट किसी और वीडियो मिलता हो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।